दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत मंगलवार की सुबह गोरखपुर के 14 तथा देवरिया के 4 केंद्रों पर बीएससी गणित संवर्ग तथा शाम को गोरखपुर के 15 तथा देवरिया के 3 केंद्रों पर बीएससी जीव विज्ञान संवर्ग की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इस प्रवेश परीक्षा में बीएससी गृह विज्ञान, फिजियोथेरेपी तथा एमएलटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवेदन करने वालों अभ्यर्थियों में से जिन्होंने इंटर की परीक्षा गणित संवर्ग से उत्तीर्ण की है, वह सुबह की पाली में आयोजित बीएससी गणित की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और जिन्होंने इंटर की परीक्षा जीव विज्ञान संवर्ग से पास की है, वे शाम के सत्र में बीएससी बायो की परीक्षा में शामिल हुए। मंगलवार की सुबह बीएससी गणित संवर्ग की प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत कुल 9188 अभ्यर्थियों में से गोरखपुर में 949 अभ्यर्थी तथा देवरिया में 157 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शाम की पाली में बीएससी जीव विज्ञान संवर्ग की प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत कुल 6223 अभ्यर्थियों में से 1145 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आशुतोष पाठक। कैसी परीक्षा देने आ जाते हैं यहाँ पे? बीएससी मैथ ऑनर्स की, मतलब एंट्रेंस की रीडी यूनिवर्सिटी में। कैसा परीक्षा रहा? ठीक था, कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। कैसा आपने परीक्षा दिया? ठीक ही है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, जैसे कि माइनस मार्किंग नहीं थी, मैंने आपको बताया। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या इंटरव्यू में जो पढ़ाए गए? हाँ, वही सब थे, कॉमन क्वेश्चन, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए? सारे लोगों के। हार्ड क्वेश्चन इस तरह जो आपको बाहर से आया था या कोई और चीज़ से? थोड़ा बहुत तो बाहर से आता ही है, जैसे कि मतलब बेसिक चीज। आपका? स्मिता पांडे। किस लिए आई थी आज आप यहाँ पे? पेपर देने के लिए बीएससी का। कैसा पेपर आया था? अच्छा था। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या इंटर में जो पढ़े थे वही? इंटर का था। इंटर का था। सारे पेपर आपने बढ़िया सॉल्व किया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई? इस तरह के टिपकल लगे हो कोई क्वेश्चन? हाँ, कुछ थे लेकिन कर लेंगे।